हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन तो हमने लाइफ साइकिल इन एल स्टार्ट किए हुए थे अब फाइव टाइप्स की लाइफ साइकिल थे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ साइकिल था प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है जिसमें हैप्लाइड फेस लॉन्ग होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा तमाम स्टेजेस ऑफ लाइफ के एक्सेप्ट किसके डिप्लाइड फेस के और जो डिप्लाइड फेस होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा ज़ाई तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डिपलोंटिक लाइफ साइकिल द लाइफ साइकिल इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इज ऑक्योपाइड बाय डिप्लॉइड फेज एंड द हैड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय गेमीर्स ओनली इज कॉल्ड डिपलोंटिक लाइफ साइकिल अब वो लाइफ साइकिल जिसमें मोस्ट ऑफ पार्ट जो है लाइफ साइकिल का वो किस पे कंजिस्ट होगा डिप्लॉड फेज पे अब ये ऑपोजिट आ रहा है हैपलोंटिक इसका नेम ही इस वजह से रखा गया हैप्लाइड क्योंकि हेप्लाइड फेज लॉन्ग है और जो यहाँ पे डिप्लाइड फेज है ये क्या है यहाँ पे डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में डिप्लाइड फेज लॉन्ग है द डिप्लाइड फेज रिप्रेजेंट बाई गेमिर ओनली और जो हैपलाइड फेज इसमें जस्ट रिप्रेजेंट करेंगे गेमीर्स और इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे डिपलोंटिक लाइफ साइकिल अ सेक्शुअल प्लांट इन विच हैपलाइड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई हेपलाइड गेमिर इज कॉल्ड ए डिप्लॉन्ट अब वो सेक्शुअल प्लांट जिसमें मीन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो है अप्लाइड स्टेज वो रिप्रेजेंट करेगी करेगीय गेमिर और उस प्लांट को क्या कहेंगे डिप्लांट दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय सम मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइटा अब ये लाइफ साइकिल भी ए, कुछ मेंबर्स एग्जिबिट करेंगे क्लोरोफाइटा के और, और मेम्बर्स ऑफ बेजिलेरोटा एंड सम मेम्बर्स ऑफ फ्योफाइटा इसके अलावा तमाम मेम्बर्स जो हैं बेसिलेरोटा के उनके पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा और कुछ मेम्बर्स फ्योफाइटा के उनके पास भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड्स पोरोफाइट विच बियर सेक्स ऑर्गन इन विच है अब होगा क्या एक जो वेजिटेटिव प्लांट हैं

अब गेमियर्स यूनाइट करेंगे ताकि डिप्लॉडी हो द दाइगोड डिटोटिकली टू फॉर्म अ डिप्लाइड्स पोफाइड अब जयगोड डिवाइड करेगा माइटोटिकली ताकि वो डिप्लाइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करें इन सम स्पीशीज बोथ फेसिस आर मोरफोलॉजिकली सिमिलर आइसोमॉर्फिक अब कुछ स्पीशीज में जो हैं ये दोनों फेसिज मॉरफोलोजिकली सिमिलर हैं आइसोमॉर्फिक हैं फॉर एग्जाम्पल इन अल्वा एंड एक्टोकार्पस वेयर एज इन अदर्स द अल्टरनेटिंग जनरेशन्स आर डिसिमिलर हैट्रोमॉर्फिक अब एग्जाम्पल्स दी गई हैं जैसे अल्वा हो गया एक्टोकार्पस हो गया इनके पास तो है आइसोमॉर्फिक फेज मॉर्फोलोजिकली सिमिलर हैं ये जबकि जो दूसरे हैं उनके पास अल्टरनेटिंग जनरेशन हैं मीन्स के डिसिमिलर हैं और उन वो क्या कहलाएँगे हेट्रोमार्फिक फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ्यूकस अब उनकी एग्जाम्पल क्या होगी हैट्रोमार्फिक की फ्यूकस तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली देखते हैं या आप देख सकते हैं एक प्लांट है ये टू एन है और डिप्लड uh, है मींस फिर गैमी गैमिटेंजियम है आप देखें गेमिटेंजियम भी क्या है टू एन है जब आपस में फ्यूजन हुई फिर म्योसिस हुई म्योसिस के रिज़ल्ट में जो गेमिट्स हैं म्यूसिस के रिजल्ट में क्या हो गए जो डिप्लाइड थे वो हैप्लाइड हो गए गेमिट्स जो हैं अब वो हमारे पास एन एन है अब इनकी जब फ्यूजन होगी सिंगेमी होगी तो जैगॉड बना देंगे जयगॉड हमारे पास क्या होगा डिप्लाइड टू एन होगा तो इसके बाद जर्मिनेशन हो जाएगी और जर्मिनेशन के बाद जो दोबारा से स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा तो ये तो था हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आज के टॉपिक में इतना ही कोई भी क्वेश्चन आपको समझना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम डिप्लो लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे और हेप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे तो आज के टॉपिक में इतना ही थैंक यू